हे गाइस, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में मियोसिस पार्ट टू के बारे में। लास्ट वीडियो हमारी मियोसिस पार्ट वन के बारे में थी, जिसमें आपने देखा होगा कि मियोसिस और माइटोसिस क्या हुआ करते हैं, कैसे इनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो आज का वीडियो जो है वो हम बात करेंगे मियोसिस के कुछ स्टेजेस के बारे में। और जैसा कि मैंने आपसे कह रखा है कि अगर आप मियोसिस को पढ़ लेते हैं तो आपको माइटोसिस भी पढ़ने की नीड नहीं पड़ती। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। सो गाइस, बात कर रहे हैं मियोसिस की। देखिए, मियोसिस को जरा हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हो गया आपका एक पेरेंट सेल, राइट, और यहां से आपके पहले दो सेल बनते हैं और फिर ये सेल क्या करते हैं, अगेन डिवाइड करते हैं और दो नए नए सेल्स और बनाते हैं। सो एक्चुअली में मियोसिस जो होते हैं ना, मियोसिस ये पूरा एक नहीं है, मियोसिस यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। यानी कि अगर मैं बात करूँ माइटोसिस में, तो माइटोसिस में जनरली दो सेल बना करते हैं, लेकिन मियोसिस में जनरली चार सेल बना करते हैं। वर्ड पे फोकस मारिए, मैं जनरली की बात कर रहा हूँ, मैं ऑलवेज नहीं कह रहा। कभी कभी मियोसिस में दो भी बन जाते हैं, कभी कभी एक भी बन जाते हैं, बट यहाँ पर हम जो बोले कि मियोसिस चार सेल बनाएगा। अब कितने फंक्शनल हो कितने नहीं, उससे हमें मतलब नहीं है। अब यहाँ पर ये जो पहली आप जानते हो सेल जिस फेज में डिवाइड करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम फेज, राइट। मैंने कहा था आई फेज एम फेज होता है। एम फेज में सेल डिवाइड करता है, आई फेज में सेल डिवाइड नहीं करता, रेस्ट करता है और अपने आप को प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए, ठीक है। तो यहां पर ये होगी, दिस इज सेल डिवीजन फर्स्ट, दिस इज एम फेज, कैसे दिस इज एम फेज वन या एम वन फेज कह लो, एंड दिस इज एम टू फेज, क्योंकि ये एम फेज का सेकेंड पार्ट है। अच्छा जी, तो यहां पर जो ये एम वन फेज है, इसको आप लोग बोलते हो मियोसिस वन, और ये जो अगली फेज है इसको आप लोग बोलते हो मियोसिस टू। तो यहां पर अगर आपको मियोसिस पढ़ना है ना, तो आपको दो चीजें पढ़नी पड़ेगी, मियोसिस वन प्लस मियोसिस टू। क्योंकि यहां पर अगर आपने सिर्फ इतना पार्ट पढ़ लिया तो भैया यहां पे ये आपका इनकम्प्लीट मियोसिस हुआ। कंप्लीट मियोसिस यहां होता है और शुरू यहां से होता है, यानी कि दो बार सेल डिवीजन होती है, यानी कि दो बार एम फेज। इसका मतलब ये हो गया पहला मियोसिस वन, ये हो गया पहला मियोसिस टू। अब देखिए, जैसे आप लोग सोचते सेल डिवीजन हो, तो आप लोगों ने मैंने बताया था कि जब भी सेल डिवाइड करता है उससे पहले वो रेस्ट करके आता है, अपना डीएनए वगैरह सब डबल करके आता है। तो क्या यहां पर ऐसा होता है कि सेल अगर दो बार डिवाइड कर रहा है तो क्या दो बार आई फेज में जाएगा? इसका मतलब अब बच्चे सोचते हैं जी, पहले आई फेज में गया, देन आई वन में गया, देन एम वन में गया, देन आई टू में गया, देन एम टू में गया। सो यहां पर बच्चे सोचते हैं कि दो बार सेल डिवीजन मतलब दो बार आई फेज। हम लोग जानते हैं जितनी बार सेल डिवीजन उतनी बार आई फेज हुआ करता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है गाइस। यहां पर सेल सिर्फ एक ही बार आई फेज में जाता है, उसके बाद एम वन में जाता है, और एम वन के बाद वो आई टू में ना जाकर डायरेक्ट कहां जाता है, एम टू में जाता है। सो इस बात को याद रखिए, क्वेश्चन यहां से पूछ लिया करते हैं कि मियोसिस के अंदर सेल टोटल कितनी बार आई फेज में एंटर करता है। तो क्योंकि नॉर्मल आंसर बच्चे दो ही मारते हैं, क्योंकि दो बार सेल डिवीजन तो दो बार आई फेज। मैंने पहले कहा था हर सेल साइकिल में जितनी बार एम फेज आएगी उतनी बार आई फेज भी आएगी। सो यहां पर वो चीज नहीं है, सेल यहां पर आई वन फेज में जाएगा। आई वन इन द सेंस सिर्फ आई बोलो, आप वन टू मत लगाओ, सेल सिर्फ एक बार आई फेज में जाता है, उसके बाद दोबारा आई फेज में नहीं जाता अगर सेल मियोसिस कर रहा है तो। एक चीज और, मियोसिस से बने हुए सेल आगे कभी डिवाइड नहीं करते, इस बात को देखिएगा। मियोसिस के बने हुए सेल डॉटर सेल आगे कभी डिवाइड नहीं करते, जबकि माइटोसिस के बने हुए सेल आगे डिवाइड कर जाया करते हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अच्छा जी, तो यहां पर हो गया पहला आपको मियोसिस वन एंड मियोसिस टू, यानी कि मियोसिस पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना है, मियोसिस वन एंड टू पढ़ना है। तो हम पहले मियोसिस वन को देखेंगे, ठीक है। मियोसिस वन यानी कि एम वन फेज इन द सेंस आपकी माइटोटिक फेज फर्स्ट, राइट, जिसे आप कहते हो। तो जरा मैं आपको यहाँ पे प्लॉडी लेवल से समझाता हूँ कि प्लॉडी लेवल से होता क्या है। यहाँ पर ये होता है पेरेंट सेल टू वन। जब मियोसिस वन होती है तो मियोसिस वन होने के बाद यहाँ पर क्रोमोसोम के नंबर आधे हो जाते हैं, एन और एन। लेकिन जब मियोसिस टू होती है तब यहां पर एन बाय टू ना होकर एन और एन हो जाती है। यहां पर एक बहुत ही शॉकिंग चीज क्या मिलती है कि आपने कहा ये पूरा क्या है, मियोसिस, और मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो ठीक है, यहां पर हाफ हो गया, समझ में आता है, यहां तो हाफ हुआ ही नहीं। सो यही से हम एक
चीज याद कर लेते हैं कि जो मियोसिस वन होती है, मियोसिस वन के अंदर क्रोमोसोम हाफ हो गए, क्योंकि मियोसिस वन के अंदर क्रोमोसोम हाफ हो गए इसीलिए मियोसिस वन ही आपकी एक्चुअल मियोसिस है, जबकि मियोसिस टू के अंदर क्रोमोसोम तो सेम रहे, और क्रोमोसोम सेम रहते हैं तो वो तो माइटोसिस होता है, इसीलिए मियोसिस टू को हम माइटोसिस के बिल्कुल सिमिलर मानते हैं। इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत वीडियो की शुरुआत में कहा कि अगर आपने मियोसिस पढ़ लिया तो आपने माइटोसिस भी साथ में पढ़ लिया, क्योंकि जब हम मियोसिस पढ़ेंगे तब हम वन एंड टू दोनों पढ़ेंगे, जब वन पढ़ लेंगे तब पूरा मियोसिस हो जाएगा, जब टू पढ़ लेंगे तो पूरा माइटोसिस हो जाएगा, क्योंकि मियोसिस टू बिल्कुल माइटोसिस के जैसा होता है, राइट। क्यों आपको देख रहे हो कि मैंने बताया था जहां पर प्लॉइडी सेम रहे वो आपका माइटोसिस, जहां पर प्लॉइडी हाफ हो जाए वो आपका मियोसिस, तो यहां पे प्लॉइडी क्या है सेम, तो दैट्स व्हाई क्या हो गया माइटोसिस, ऊपर हाफ होगी तो ये क्या हो गया मियोसिस, बट स्टिल इसे हम मियोसिस लेंगे क्योंकि ये एक मियोसिस का हिस्सा है। हम ये बोल रहे मियोसिस का ये पार्ट मैच करता है माइटोसिस से, लेकिन रहेगा तो वो मियोसिस का पार्ट ही। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेज की, किसकी, मियोसिस वन की। सो गाइस मियोसिस वन, तो म्यूसिस वन के अंदर हम कुछ जैसे मैंने कहा कि म्यूसिस वन कुछ नहीं एम फेज है, और आप लोग जानते हो एम फेज को हम डिवाइड कर चुके हैं, कौन से फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो मैं काम करता हूं यहां पे मैं सारी फेज लिख देता हूं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, एक दो तीन चार। तो गाइस जब मियोसिस टू पढ़ेंगे ऑब्वियसली बात है वहां भी सब फेजेस आने वाली है, लेट्स सपोज इट्स अ मियोसिस टू, तो वहां पर भी आएंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, राइट। अब मुझे बताइए यहां भी प्रोफेज वहां भी प्रोफेज, तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल क्रिएट होगी। कैसे, मैंने कहा सिंपल कहा प्रोफेज, अब ये समझ नहीं आ रहा आपको प्रोफेज किसका, मियोसिस वन का या मियोसिस टू का, तो एक्चुअली में क्या है कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हम यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर प्रोफेज वन लिखते हैं, यहां पर टू लिखते हैं, यहां पर थ्री लिखते हैं, और सॉरी यहां पर आप वन लेके चलेंगे, वन वन वन, सो मियोसिस प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन, और यहां पर क्या करेंगे प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू एंड टीलोफेज टू। सो यहां पर मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको वन से वन लगाना ताकि पता लगे वो मियोसिस वन का पार्ट है, और टू लगाना ताकि पता लगे वो मियोसिस टू का पार्ट है, ये आपके लिए बहुत ईजी है। अब देखिए मैं बोलू एनाफेज टू आप समझ जाएंगे टू बोला यानी कि मियोसिस टू की बात कर रहा हूं, एनाफेज बोला यानी कि मियोसिस टू के एनाफेज की बात कर रहा हूं, क्लियर। अच्छा अगर मैं वन टू लगाऊ ना, मैं सिर्फ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज बोल दूं तो ये होता है सारा माइटोसिस की तरह, क्योंकि माइटोसिस में कोई वन टू होता ही नहीं है, क्योंकि माइटोसिस में सेल सिर्फ एक बार डिवाइड करता है एक समय में, तो वहां पर कोई वन टू लगता ही नहीं है। तो अब सिंपल है, अगर मैंने प्रोफेज बोला तो वो माइटोसिस है, प्रोफेज वन बोला तो वो मियोसिस वन का पार्ट हो गया, प्रोफेज टू बोला तो वो मियोसिस टू का पार्ट हो गया। सो उम्मीद करता हूं अब ऐसे वर्ड से आप बच सकेंगे, ऐसे को आप जवाब दे सकते हैं। अच्छा बात करते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड स्किप। मैं आपको जरा कुछ जनरल चीज बताऊं जो आप रट्टा मार लीजिए, समझ लीजिए इस चीज को, आपके आने वाले लाइफ में कभी इसको लेकर दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप बीएससी कर रहे हो चाहे एमएससी कर रहे हो, आपको कभी इससे लेकर प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैं आपको बताता हूं कि सेल जब भी किसी फेज के अंदर एंटर करता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, आप उन सारे फेजेस के चेंजेस को याद कर लेना, ठीक है। तो पहले बात करते हैं जरा उन फेजेस की, मान लीजिए एक रूम है ये, और इस रूम का हम नाम रख देते हैं प्रोफेज, रूम का नाम क्या है प्रोफेज, ये प्रोफेज वन टू अभी कुछ मत लगा, सिर्फ प्रोफेज सोचो, ठीक है। ऐसे यहां पर एक और रूम है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेटाफेज। थर्ड रूम आएगा, इसको बोलते हैं एनाफेज, और लास्ट में आप जानते ही हो इसको हम साइड में लिखते ताकि आपको ठीक से क्लियर दिखे,
देखिए यह है क्या, यह एक रूम है ठीक है, और यहां पर एक सेल आया हुआ है और सेल आपसे कहता है कि उसे इस रूम में जाना है, और यहां पर सेल का कुछ कुछ डायग्राम इस तरह से, यहां पर यह चीज होती है इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। गाइस यहां पर आप ऐसा मत सोचिए कि सब प्रोफेज या मेटाफेज के सामने, यहां पर ये सब चीजें अभी हटा दीजिए, अभी बिल्कुल अलग चीज बता रहा हूं मैं आपको। सो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन, और ये होगा साइटोप्लाज्म हो गया ठीक है, और आप जानते हो कि न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे आप बोलते हैं क्रोमैटिन, जो कि एक्चुअली में डीएनए होता है। ये हो गया क्रोमैटिन, और यहां पर होता है इस न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस, एक तरह का सेल ऑर्गेनेल। जब ये सेल इस रूम के अंदर एंटर करेगा, हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन जब इस रूम के बाहर निकलेगा तो आपको थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा। चेंज क्या है देख लेना, ये रहा वो सेल। अच्छा साइज नियरली वो सेम है, मैंने बस दिखा दिया बड़ा है ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। और यहां पर आप देखो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, आप देख रहे हैं यहां पर ये सेंट्रियोल बन चुके हैं, और सेंट्रियोल ने क्रोमोसोम्स को पकड़ लिया है ठीक है। ये क्रोमोसोम से आपको जो दिख रहे हैं ये सब क्या है, क्रोमोसोम, और ये सेंट्रियोल, और यहां पर आप देख रहे हैं आपको कि यहां पर क्रोमैटिन अब नहीं है, पहले था। इसका मतलब प्रोफेज के अंदर जो क्रोमैटिन होता है वो चेंज होता है, हो जाता है किसके अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर। और चेंज कैसे होगा, कंडेंसेशन होगा यहां पर, मतलब काफी ज्यादा जो गैप होता है इन क्रोमैटिन में, वो गैप धीरे धीरे खत्म होगा और अल्टीमेटली क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्या बना देंगे, क्रोमोसोम। यानी कि प्रोफेज का, प्रोफेज में सबसे पहला काम क्या होता है कि जो क्रोमैटिन होगा आपका वो किस में चेंज कर देंगे, क्रोमोसोम में चेंज करते हैं। अभी तो आप देखिए कि ये सेल जब बाहर निकला तो इसके पास क्रोमैटिन नहीं था, यानी कि इसमें क्या चेंज हो गया, क्रोमोसोम में चेंज हो गया। अब पहले तो स्पिंडल फाइबर था नहीं, लेकिन अब स्पिंडल फाइबर आ गया, यानी कि इस फेज के अंदर क्या होता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन भी होती है। तीसरी चीज, सेल्स जो सेंट्रियोल था पहले तो नहीं था, लेकिन अब सेंट्रियोल अपीयर हो रहा, यानी कि इसके अंदर सेंट्रियोल फॉर्मेशन भी होती है। और आप देख रहे थे पहले आपको न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन दिख रही थी, जिस वजह से आपका न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों अलग था, लेकिन अब कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों मिक्स हो गए हैं, यानी कि इस स्टेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गायब हो जाती है। आप अगर देखते पहले तो आपको ढेर सारे सेल ऑर्गेनेल मिलते, आपको माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी बॉडी, ER। So guys, यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुकी है, और यहां पर और क्या चेंजेस हुए हैं, देखिए पहले थे ढेर सारे सेल ऑर्गेनेल, गॉल्गी बॉडी, ER, माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह के पहले सेल ऑर्गेनेल थे, लेकिन प्रोफेज में जब गए तो प्रोफेज से जब बाहर निकले तो प्रोफेज से बाहर निकलने के बाद अब उनके पास ना तो गॉल्गी बॉडी, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना ER। इसका मतलब यहां पर जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं वो सब डिसअपीयर हो जाते हैं, वो सब साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो जाते हैं इस तरह का। तो फाइनली मैंने क्या देखा कि प्रोफेज के अंदर कोई भी सेल जाए, जाने के बाद उस सेल का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होगा, गारंटी है। उसके अंदर सेंट्रियोल बन जाएंगे और सेंट्रियोल अपोजिट पोल तक पहुंच चुके होंगे, और सेंट्रियोल से फाइबर बनके क्रोमोसोम से लग भी चुके होंगे, और लेकिन एक चीज और, क्रोमोसोम की यहां पर कोई अरेंजमेंट आपको नहीं मिलने वाली। तो यहां पर प्रोफेज ने कहा क्रोमोसोम बना देंगे, उनको अरेंज करने का जिम्मा प्रोफेज का बिल्कुल नहीं होता। सो यहां पर ये सब चेंजेस होते हैं प्रोफेज के अंदर। तो हम समझ सकते हैं अगर कोई भी सेल प्रोफेज के अंदर जाएगा तो वो एक काम तो पक्का करेगा, क्रोमोसोम जरूर बनाएगा, जो कि आपको धागे की तरह मिलते हैं, कुछ इस तरह से मिलते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको। और उस दूसरा काम क्या होगा, स्पिंडल फाइबर बन जाएंगे, आपके क्रोमोसोम से अटैच हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे यहां पर। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गैप हो जाएगी, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल डिसअपीयर हो जाएंगे। तो ये काम होगा प्रोफेज के अंदर। बात करें मेटाफेज के अंदर, अब मान लीजिए सेल ने क्या करा, ये सेल आया और मेटाफेज के अंदर एंटर करा, तो मेटाफेज को जब ये क्लियर करके बाहर निकलेगा तो ये वाला सेल जब बाहर निकलेगा तब इस पर क्या चेंज मिलेगा देखना। यहां पर जो पहले सेंट्रियोल थे वो अभी भी है, कहीं गए नहीं है, जो स्पिंडल फाइबर पहले थे वो अभी भी है, कहीं नहीं गए। लेकिन बस यहां पर एक काम क्या होगा कि जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर मैनर में क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं, राइट। जैसे कि मान लीजिए इस तरह से यहां पर ये क्रोमोसोम्स हैं,
एक क्रोमोसोम्स एक पर्टिकुलर मैनर में क्या हो गए, अरेंज हो गए। तो आप देख सकते हैं यहां पर पहले कोई पैटर्न नहीं था, लेकिन आप प्रॉपरली किसी पैटर्न से अरेंज हो रखे हैं। और यहां पर जो अरेंजमेंट है वो एक प्लेट की फॉर्म में होती है, मतलब क्रोमोसोम एक प्लेट की फॉर्म में अरेंज होती है। मैं काम करता हूं इसको वर्टिकल, इसको मैं आपको हॉरिजॉन्टल दिखाता हूं, शायद उससे थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। यहां पर भी आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब आप ऊपर दिखाओ सेंट्रियोल और यहां पर क्रोमोसोम दिखाएंगे कुछ इस तरीके का। और यहां पर आप देखना कि ये स्पिंडल फाइबर से लगे हुए हैं आपके सारे सारे क्रोमोसोम। अब यहां पर देखना कि जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल एक प्लेट की मैनर में होगी, बिल्कुल प्लेट जैसे किसी ने क्रोमोसोम एक प्लेट पे लगा दिया हो। इस प्लेट को बोलते हैं इट्स अ इक्विटोरियल प्लेट। या आप बोल सकते हो मेटाफेजिक प्लेट, इसको आप बोलते हो या तो इक्विटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट। यानी कि अगर अच्छा मुझे बताइए क्या यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुआ, नहीं पहले हो चुका था। क्या यहाँ पे सेंट्रल अपीयर हुए, अरे वो तो पहले से थे, कहां से अपीयर होंगे दोबारा से, स्पिंडल फाइबर पहले से थे। कुछ नया नया सिर्फ एक चीज होता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज नहीं होती है कि क्रोमोसोम्स एक मैनर में एक प्लेट में अरेंज हो जाते हैं जिसको बोलते हैं मेटाफिजिक प्लेट। अगर क्रोमोसोम एक पैटर्न में अरेंज हो गए, एक मेटाफिजिक प्लेट में अरेंज हो गए, तो वो निशानी होती है कि वो मेटाफेज से होके गुजरा है। राइट, यार ये चीज को कि मेटाफेज से क्रोमोसोम अरेंज होते हैं और कुछ नहीं, मतलब जो यहां वहां बिखरे हुए थे उनको एक तरीके से लाइन में लगा देते हैं, ये आपके मेटाफेज की निशानी है। अगर ये सेल मान लीजिए एनाफेज में गया और एनाफेज को क्रॉस करके बाहर निकलेगा, तो एनाफेज क्या करेगा, एनाफेज के अंदर हमेशा स्पिंडल फाइबर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है, और आप जानते हो कॉन्ट्रैक्शन से हमेशा लेंथ छोटी होती है। अब मुझे बताइए कि यहां पर ये रहा आपका सेल, ये रहा सेंट्रियोल और ये रहा आपका क्रोमोसोम। आप मुझे बताइए अगर ये फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट करने से ये जो क्रोमोसोम है वो इस तरफ खींचेगा, ऐसे ही अगर ऊपर वाला करे कॉन्ट्रैक्ट तो ये क्रोमोसोम उस तरफ खींचेगा। तो जब एक क्रोमोसोम को दो खींचेंगे तो क्रोमोसोम बीच में से टूट जाएगा और यहां से कुछ इस तरह से हो जाएंगे क्रोमोसोम्स। तो हुआ क्या कि भैया यहां पर सब चीजें सेम थी, सिर्फ एक चीज का फर्क आ गया कि यहां पर स्पिंडल फाइबर ने क्या करा, अपने आप को खींचना स्टार्ट करा, कॉन्ट्रैक्शन शो करी, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो आपके स्पिंडल जो आपके क्रोमोसोम्स थे वो ब्रेक कर गए। यहां पर ब्रेक नहीं बोलेंगे, आप सिंपल समझ लीजिए कि यहां पर क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहां पर क्रोमोसोम क्रोमेटिड की फॉर्म में स्प्लिट कर गया और यहां से ये दोनों जो क्रोमेटिड थे वो अलग अलग पोल की तरफ शिफ्ट करने लग रहे हैं। और बात करूं टेलोफेज की, तो अगर ये टेलोफेज के बाद जाएगा तो टेलोफेज बिल्कुल उल्टा काम करेगा प्रोफेज का। मतलब कैसे, देखिए यहां पर क्या करेगा टेलोफेज, मान लीजिए ये हो गया सेल और यहां पर पहुंच गए ये आपके सारे के सारे क्या पहुंच गए, क्रोमेटिड। तो टेलोफेज क्या करेगा, टेलो इन सारे के सारे क्रोमेटिड को चेंज करेगा अगेन किसमें, क्रोमेटिन में। और देखिए प्रोफेज में क्या हुआ था, प्रोफेज में क्रोमेटिन से क्रोमेटिड हुआ है, एक क्रोमोसोम हुआ है, यहां पे क्रोमोसोम से क्रोमेटिन हुआ है। उसके बाद वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुई थी, यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होगी। वहां पर सेल ऑर्गेनेल गायब हुए थे, यहां पर अपीयर होंगे। वहां पर सेंट्रियोल आया था, यहां पर सेंट्रियोल जाएगा। स्पिंडल फाइबर आए थे, यहां जाएंगे। मतलब प्रोफेज का बिल्कुल उल्टा फेज क्या होता है, टेलोफेज। और फाइनल टेलोफेज के बाद सेल यहां से दो हिस्सों में डिवाइड कर जाता है और ये आपके दो नए सेल बन जाते हैं। तो यहां पर आप हर एक फेज की यार के एक जो खास बात है आइडेंटिटी, प्रोफेज के अंदर जो सेल है वो क्रोमेटिन फाइबर से बनाया क्रोमोसोम बनाएगा, फाइबर डेवलप करेगा, सेंट्रियोल डेवलप होंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगी। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो गायब हो जाएगी और सेल ऑर्गेनेल डिसअपीयर हो जाएंगे। तो ये सब काम होता है प्रोफेज में। अब देखिए आपको पहचानना सेल कौन सी फेज में, तो आसान है, अगर क्रोमोसोम आपके प्लेट की फॉर्म में रहेंगे तो आंसर जाएगा मेटाफेज। अगर क्रोमोसोम मूव करने शुरू कर रहे हैं, मूव कब करता है, जब स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि फाइबर अगर कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहे हैं तो वो एनाफेज की स्टेज है। अब मान लीजिए वहां पर क्या हो रहा है, सेल ऑर्गेनेल अपीयर हो रहे हैं, सेंट्रियोल दोबारा सेंट्रियोल गायब हो रहा है, फाइबर वहां पर जो है वो आपके गायब हो रहे हैं और आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से अपीयर हो रही, तो वो सारी स्टेज कौन सी है, टेलोफेज, क्योंकि टेलोफेज बिल्कुल उल्टा होता है प्रोफेज का। राइट, और प्रोफेज में आप जानते हो ये सब चीजें हुआ करती हैं।
रखना, तो आप हर एक फेज की ना आइडेंटिटी याद रख लेना। लाइक जैसे मैंने कहा प्रोफेज वन, तो जो काम यहां हो रहा है ना वही सब काम यहां भी होगा। जो मेटाफेज, जो मैंने बताया मेटाफेज यहां पर ये कर रहा है, तो मेटाफेज जो हम यहां पढ़ रहे हैं वो यही यहीं पर होगा। यानी कि जो हमने भी पढ़ा ये आप पूरी जगह हर जगह अप्लाई करोगे, चाहे वो मियोसिस माइटोसिस हर स्टेज पे ये काम करेगी, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा। राइट, तो यहां पर उम्मीद करता हूं कि आपको चीज क्लियर हो गई क्या क्या होता है प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टेलोफेज। देखो प्रोफेज को अगर आप लंबा खींचना चाहो आप बढ़ा सकते हो, कैसे, अर्ली प्रोफेज मिड प्रोफेज लेट प्रोफेज। मतलब अगर आपको सीटें भरनी है, मतलब ज्यादा लेंथी दिखाना है, तो आप कुछ नहीं, आप इनको एक्सटेंड कर सकते हो प्रोफेज को तीन पार्ट में। कैसे, अब भैया प्रोफेज जब शुरुआती स्टेज में होगा तो अर्ली होगा, जब मिड स्टेज में आएगा तो मिड, और जो लेट वाले यानी कि जब फाइनल कंप्लीट हो जाएगा प्रोफेज तो वो आपका लेट प्रोफेज। बट हालांकि यहाँ पे एक्सटेंड करने का लॉजिक बनता नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक क्लियर होगा गाइस। सो आज के वीडियो में हमने देखा कि आपके प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज में क्या हुआ करता है, और म्यूसिस वन के कौन कौन से फेजेस हैं, म्यूसिस टू की कौन कौन से फेजेस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेज वन की, प्रोफेज वन की, और अगर टाइम अच्छा खासा मिल जाता तो हम वहाँ पे आपके पूरे म्यूसिस वन की बात करेंगे। बट स्टिल हमारे नेक्स्ट वीडियो मेन पर्पज होगा आपके आपके प्रोफेज वन को क्लियर कराना। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।